Very good morning to all of you. Now, today we will discuss separation of constituents from a heterogeneous mixture. Okay, we will discuss some separation techniques from chapter Is Matter Around Us Pure, which is of class 9 chemistry chapter. Okay, now today we will discuss these three topics: centrifugation by using separating funnel and sublimation. Now, see, first is centrifugation. Now, what is centrifugation? Okay, centrifugation is the process of separating substances of different densities from a mixture with the help of a centrifuge. ठीक है, एक मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है. उसमें क्या करते हैं, जो भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी चीज को यदि हमको सेपरेट करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल यदि हमको सेपरेट करना होता है, तो ये प्रोसेस को यूज करते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में मटेरियल को डाल करके एक मशीन आता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन. मशीन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन. मशीन है वो इलेक्ट्रिक से भी चल सकता है, हाथ से भी रोटेट करते हैं, मैनुअली भी होता है और इलेक्ट्रिक से भी होता है. इसमें करना क्या है, सपोज कीजिए हमको दूध से मिल्क को, मिल्क से क्रीम को अलग करना है. ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम उसको कर सकते हैं. क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें मिल्क को डाल देंगे. ठीक है, और यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होता है, उसको रखने का जगह बना हुआ है, उसमें उसको रख देंगे और मशीन को ऑन कर देंगे. बहुत ही फास्ट ये रोटेट करता है. क्या करता है, बहुत ही फास्ट रोटेट करता है. तो क्या होता है, उसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेस है, वो क्या होता है, कोलाइड करता है, सब एक दूसरे से कोलाइड करता है. और क्या होता है, कोलिजन के बाद, बहुत जोर से चल रहा है, कोलिजन के बाद जो डेंसर पार्टिकल है, डेंसर पार्ट है, डेंसर कंपोनेंट है, वो नीचे जाके बैठ जाता है और लाइटर पोर्शन ऊपर रह जाता है. बहुत देर बाद मशीन को जब कुछ देर चलाएंगे, उसके जब मशीन को ऑफ करेंगे और टेस्ट ट्यूब निकाल के देखेंगे, तो देखेंगे हमारा डेंसर पार्ट नीचे आ गया है और लाइटर पार्ट ऊपर है. तो क्या होता है, मिल्क और क्रीम में क्या हल्का होता है, सोचने से तो लगता है कि मिल्क भारी होता होगा, लेकिन क्या मिल्क ही भारी होता है, क्या हल्का होता है, क्रीम हल्का होता है. तो क्रीम क्या रह जाता है, सोच के लगता है कि क्रीम भारी होता है, क्रीम क्या होता है, हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है और मिल्क का पोर्शन नीचे होता है. और इस तरह से हम क्रीम और मिल्क को अलग कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज डन इन अ मशीन. ठीक है, और पहले मिल्क चर्नर भी यूज होता था. जब मशीन नहीं आया था तो पुराने जमाने में क्या होता था, दूध को जोर जोर से मिल्क चर्नर होता था, लकड़ी का बना होता था या कोई भी मटेरियल का, उसे जोर जोर से उसको क्या करते थे, मथते थे, तो क्या होता था, उसका क्रीम या फिर बटर अलग हो जाता. ठीक है, नाउ दिस एप्लीकेशन, इसका बहुत ही एप्लीकेशन, बहुत ही यूजेस है. जैसे ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट में, ब्लड में क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है. ठीक है, उसको अलग करना यदि होता है, ठीक है, तो इसी मशीन का यूज करते हैं और यही प्रोसेस के द्वारा उसको अलग किया जाता है. ठीक है, ड्राई क्लोथ इन वॉशिंग मशीन, कपड़ा जो सूखता है वॉशिंग मशीन में, उसमें भी यही टेक्निक यूज होता है. बहुत जोर से चलता है तो उसका एक पोर्शन क्या होता है, अलग हो जाता है, डेंसर पोर्शन अलग और लाइटर अलग हो जाता है. क्रीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, तो अभी आपको हम बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, मिल्क को डाल देते हैं और इस मशीन में जहाँ पे बना हुआ उसके रखने की जगह रख के मशीन को जोर से चलाते हैं. सो दीज आर एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. दूसरा क्या है, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. तो ये आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज सेपरेटिंग फनल. ये क्या है, सेपरेटिंग फनल. इसमें क्या होता है, यदि दो लिक्विड है इनमिसिबल, यदि मिसिबल है तब तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, यदि इनमिसिबल है देन इट इज हेटरोजीनियस मिक्सचर. सपोज वी आर टेकिंग वाटर एंड केरोसिन, क्या होता है, वो इमिसिबल होता है, तो उसको आप इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. सपोज यू हैव टेकन केरोसिन एंड वाटर, इसमें ले लेंगे और इसको जोर से हिलाएंगे. ठीक है, पहले मिला के इसको रख देंगे और इसको फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब. क्या होगा, केरोसिन, बिकॉज केरोसिन इज लाइटर देन वाटर, केरोसिन यहां आ जाएगा और वाटर यहां रह जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट इज वन स्टॉपर इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे क्या है कि स्टॉपर है, इसको खोल भी सकते हैं, बंद कर सकते हैं. तो क्या होगा, जब हमको, बिकॉज दिस इज हेट्रोजीनियस, दो लिक्विड है, इनमिसिबल है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. तो क्या होता है, इसका जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमको क्लियरली दिखने लगेगा. तो जब थोड़ा देर छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, व्हाट विल हैपन, वी कैन सी क्लियरली द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. जब सेपरेशन हमको क्लियरली दिख जाएगा,
ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टैप को खोलेंगे, स्टॉपर को खोलेंगे और धीरे से जो नीचे वाला पोर्शन है उसको नीचे वाला करेंगे। एंड इन दिस वे वी कैन सेपरेट। सो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट टू इनमिसिबल लिक्विड्स बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है नेचुरली वो नीचे आ जाएगा। तो यदि दो लिक्विड है इनमिसिबल है तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड प्रोसेस इज सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट। सॉलिड के बाद लिक्विड आएगा ही नहीं, वो स्टेट नहीं आएगा। सॉलिड से डायरेक्टली क्या होगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। उसको वेपर भी नहीं कहते हैं। वेपर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वेपर उसी को कहते हैं जो पहले सॉलिड से लिक्विड में आए, लिक्विड से वेपर में जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि सॉलिड से डायरेक्ट जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, गैसियस स्टेट। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इन टू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग। हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, सब्लिमेट सब्सटेंस का नैप्थलिन बॉल्स है, आयोडीन है, एमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, सब क्या है, इसको यदि हम हीट करते हैं क्या होगा, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। आप नैप्थलिन बॉल देखे होंगे, घर में कपड़े वगैरह में डालते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो छोटा होने लगता है। होता क्या है उसमें, एक्चुअली में वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड होता ही नहीं है। सो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेट सब्सटेंस। अब देखिए, सपोज कीजिए एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, इसमें भी कंडीशन है। सब्लिमेशन प्रोसेस तभी यूज होगा जब दो कंपोनेंट हम लिए उसमें एक सब्लिमेट सब्सटेंस हो और एक सब्लिमेट सब्सटेंस नहीं हो, तभी ये प्रोसेस यूज हो सकेगा। सपोज वी आर टेकिंग NaCl एंड सपोज वी आर टेकिंग एमोनियम क्लोराइड विद दैट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखे हैं, नमक रखे है, NaCl रखे हैं, व्हाट वी हैव टेकन, NaCl एंड एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड ली है और क्या ली है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, हमको पता है। और एमोनियम क्लोराइड क्या है, दिस इज सब्लिमेट सब्सटेंस। अब वो क्या किया, जब यहाँ से हीट करेंगे, वी नो दैट व्हाट विल हैपन, एमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस से क्या होगा, सॉलिड से क्या होगा, गैसेस फॉर्म में चेंज होने लगे। अब क्या करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड फनल, व्हाट इज दिस, इन्वर्टेड फनल, ठीक है। क्या है, फनल है, फनल आप जानते हैं, फनल आप जानते हैं, इसको उल्टा करके रखना है, इस तरह से इसको रखना है, ठीक है। उल्टा रखेंगे और यहाँ पे कॉटन प्लग से इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉटन प्लग, कॉटन प्लग, ताकि आपका गैसेस जो स्टेज बन रहा है, गैसेस फॉर्म जो हो रहा है वो बाहर नहीं जाए, उसको क्या करना है, उसको रोकना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे, सो दैट गैसेस विल नॉट एस्केप, वहां से बाहर नहीं जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि जब ऊपर चला गया है यहाँ पे तो हीट मिल नहीं रहा उसको, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट होने लगेगा। और हम जानते हैं कि यदि एक सॉलिड से गैसियस फॉर्म में गया तो अगेन इट विल कन्वर्ट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर ये गैस से क्या होगा, ठंडा होगा तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और सॉलिड स्टेट में आपकी क्या होगा, यहाँ पे चिपकने लगेगा, सट जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे गया है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या होगा, यही रह जाएगा, NaCl और एमोनियम क्लोराइड लिए, क्योंकि NaCl नॉन वॉलेटाइल है तो वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं गैसियस फॉर्म में, क्या जाएगा, खाली सोडियम एमोनियम क्लोराइड। और वो जब यहाँ जाकर के ठंडा हो जाएगा तो इस फनल को क्या करेंगे, फिर सीधा कर देंगे। यहाँ पे क्या, हमारा सारा मटेरियल यहाँ तो बंद है, यहाँ सारा मटेरियल है, उसको निकाल करके अलग कर देंगे। एंड इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट, वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटी, ठीक है। बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यही है कि कोई भी सब्लिमेट सब्सटेंस है उसको आप दूसरा सब्सटेंस जो नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस नहीं है उसे क्लियरली अलग कर सकते हैं। सो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में जानेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।